हाँ बच्चों सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज मोशन। मोशन एक कंप्लीट यूनिट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, ये दो चैप्टर है। हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्लियर बच्चों? इन माय लास्ट वीडियो मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन को पूरा कवर किया था, आप लोग उसको देख लेना। जिसको समझ में ना आए हम कमेंट में हमको लिखना, आई कैन अगेन एक्सप्लेन द थिंग्स। चलो स्टार्ट करते हैं मोशन। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। क्लास नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था मोशन, और इलेवेंथ में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन। तो बच्चों जैसा मैंने आपको पहले बताया था, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, आर रिलेटिव टर्म्स। ये हम क्लास नाइन से डिस्कस करते आ रहे हैं, रेस्ट और मोशन ये क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स। कोई चीज़ मोशन में नहीं होती है, कोई चीज़ रेस्ट में नहीं होती है, हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम मोशन एंड रेस्ट को कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लो कि ये बस है, ये बस है, राइट, बस बस है, ये बस चल रही है सपोज। तो यहाँ जो पैसेंजर बैठे हैं और एक पैसेंजर यहाँ पे है, राइट राइट, तो ये दोनों पैसेंजर या किसमें हैं, एक दूसरे के रेस्ट में है, और ये जो पैसेंजर है इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, मोशन। क्लियर? तो रेस्ट एंड मोशन बच्चों हमेशा रिलेटिव टर्म्स होता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन फिजिक्स। आज हम लोग सीखेंगे मौसम में और क्या क्या होते हैं। फ्रॉम 11 पॉइंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड में, तो बच्चों जैसे कि मोशन, जब भी कोई मोशन होता है, राइट, तो हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इमेजिन करते हैं, ये मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ये कोई भी वस्तु है, राइट, इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों ये टॉपिक को इस साल कोविड 19 की वजह से हटा दिया गया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मोशन। मोशन को समझने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये मेरा कोऑर्डिनेट्स, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स। इसके अलावा और भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है मोशन को समझने के लिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका पोजीशन हम एक्स, ये ओरिजिन है, एक्स से कितना दूरी है, वाई से कितना दूरी है, राइट, और जेड से कितना दूरी है, देखो तो इसके पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? एक्स वाई एंड जेड होते हैं, तो छाप लेंगे इसको, छाप लो। अब जब भी मौसम होता है बच्चों, तो एक्स चेंज होगा या वाई चेंज होगा या जेड चेंज होगा या एक्स वाई चेंज होगा, वाई जेड चेंज होगा या तीनों चेंज होगा। क्लियर? अगर मान लो कोई बॉडी यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ पे गया बी, तो केवल एक्स चेंज हुआ, तो ऐसे को कहेंगे वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन। इसी तरह से बॉडी अगर केवल वाई एक्सिस में जा रहा है, राइट, एम से एन में जा रहा है, तो ये भी वन डायमेंशन मोशन है। इसी तरह से बॉडी केवल जेड एक्सिस में जा रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वन डायमेंशन मोशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा वन डायमेंशन मोशन। तो बच्चों मोशन
हम तीन किस्म से पढ़ते हैं, एक होता है 1D मोशन, एक होता है 2D मोशन, एक होता है 3D मोशन। 1D मोशन में बच्चों केवल आइदर एक्स एक्सिस में चेंजेस आते हैं और वाई एक्सिस में चेंजेस आते हैं और जेड एक्सिस में चेंजेस आते हैं। और 2D में बच्चों दैट इज आइदर एक्स वाई प्लेन में चेंजेस आते हैं, वाई जेड प्लेन में चेंजेस आते हैं और जेड एक्स प्लेन में चेंजेस आते हैं। मतलब केवल दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होता है, तो ऐसे को हम 2D मोशन कहते हैं। और 3D में बच्चों तीनों चेंज होते हैं, एक्स वाई जेड, जब तीनों चेंज होगा तो दैट इज 3D मोशन। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्लियर? छाप लेंगे इसको इतना। हाँ तो बच्चों यहाँ तो क्लियर हो गया 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाता है जब हम फिजिक्स में एग्जाम्पल को लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से 1D मोशन को समझाने की मदद की है। तो बच्चों जैसे इफ वी इग्नोर द विड्थ एंड साइडवेज मोशन ऑफ ट्रेन, जैसे मान लो ट्रेन चल रही है, तो अगर हम उसके इग्नोर कर देते हैं साइडवेज मोशन को, ओके, और उसकी चौड़ाई को हम अगर इग्नोर करते हैं, तो मूविंग इन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, देन मोशन इज कंसिडर्ड टू बी 1D। मतलब कितना इंटरेस्टिंग बात है, जब ट्रेन का मोशन ये क्या है, 1D मोशन है, क्योंकि ट्रेन में हम एक दिशा में ही जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है। क्लियर? अगर हम इग्नोर करते हैं, फिजिक्स में हमको बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ता है, जो छोटी चीज़ होती हैं बड़ी चीज़ की तुलना में इसको इग्नोर करना पड़ता है। तो मोशन ऑफ ए ट्रेन इज ए 1D मोशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वेरी सिंपल एग्जांपल, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, अगर बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो ये 1D मोशन है, या बॉल को किसी ऊपर से गिराएंगे तो ये भी 1D मोशन है, 1D मोशन। नेक्स्ट देखिए, ए मास सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वर्टिकल स्प्रिंग कैन ऑसिलेट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जब हम किसी स्प्रिंग से कोई मास को लटकाते हैं, राइट, और मास को थोड़ा खींच के छोड़ देते हैं तो वो ऑसिलेट करता है लाइक दिस, तो ये ऑसिलेट भी 1D मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो 1D। बच्चों ये एग्जाम्स में आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रेन का मोशन क्या है, 1D 2D 3D, तो याद रखना आपको 1D है। ऑसिलेटरी मोशन जो आप करेंगे फिजिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन दैट इज 1D मोशन है, सबसे सिंपलेस्ट मोशन। एंड कोई भी बॉल को हम जब ऊपर फेंकते हैं या नीचे आती तो 1D। इसके अलावा और भी सारे बहुत मोशन है, आप कल्पना कर सकते हैं। ओके, छाप लेंगे। हाँ तो बच्चों अब आते हैं 2D मोशन में। 2D मोशन में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक्स वाई चेंज होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हैं ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स है ये वाई है, अगर बॉडी मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स वन वाई वन है, इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू है, तो ये आपका 2D मोशन है, राइट, जिसमें एक्स वाई चेंज होगा, 2D मोशन। अगर जैसे हम कोई बॉल को फेंक देते हैं हवा में तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2D मोशन है, हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे इन आवर फिजिक्स क्लास इसी चैप्टर में। तो मैंने एग्जांपल दिया है इंसेक्ट क्रावलिंग ऑन ए ग्लोब, ग्लोब ना, ग्लोब अवर अर्थ, अगर इंसेक्ट कोई क्रावलिंग कर रहा है ऑन अवर अर्थ सर्फेस फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं एक्स एंड वाई, तो ये हो जाएगा 2D मोशन। नेक्स्ट इज प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट्स स्टार, कोई भी प्लेनेट जब अपने स्टार के इर्द गिर्द घूमता है, राइट, तो वो भी 2D मोशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन फिजिक्स। और थर्ड मैंने दिया है कैरम कॉइन रिबाउंडिंग स्मूथली फ्रॉम द साइड ऑफ द बोर्ड, कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, राइट, कैरम वाला भी मेरा 2D एग्जाम्पल है।
ब्लैक बोर्ड में हम राइटिंग करते हैं तो ब्लैक बोर्ड भी टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है, क्लियर? ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में बच्चों आपका फिर वही बना लीजिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अगर कोई बॉडी ऐसा ऐसा जा रहा है तो इसका ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। तो इसमें एक्स वन, वाई वन, जेड वन, इसमें एक्स टू, वाई टू, जेड टू, तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो डेट इज थ्री डायमेंशन मोशन। ए पार्टिकल मूविंग इन द स्पेस, स्पेस में कोई भी पार्टिकल मूविंग करता है तो वो थ्री डायमेंशन मोशन है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ए काइट फ्लाइंग इन ए विंडी डे। आपने पतंग उड़ाया होगा ना हवा का मौसम में, तो वो काइट तीनों एक्सिस में जाता है, एक्स वाई एंड जेड, तो वो थ्री डायमेंशन मोशन। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन मोशन क्या है। मोशन में आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया होना चाहिए वन डी, टू डी, थ्री डी क्या है। छाप लें इसको। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका बेसिक आइडिया क्लियर करेगा, एग्जाम में भी आता है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट वन डी मोशन, बताइए कौन सा ग्राफ इसमें से वन डी मोशन को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा ग्राफ मतलब नेचर में नहीं हो सकता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ कोई भी मोशन है बच्चों, हम ग्राफ से ही उसको स्टडी करते हैं। तो पहले आप बताइए कौन वन डी मोशन है और कौन पॉसिबल नहीं है। यस बताइए, यस यस मैं बता देता हूँ, क्लियर? तो ये जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर एक ही टाइम में, मान लेते हैं टाइम इसको कंसीडर करते हैं, राइट, एक ही टाइम में बॉडी का दो पोजीशन है, ये पोजीशन है एक ये पोजीशन है, तो ऐसा ग्राफ नॉट पॉसिबल, ये नेचर में हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्लियर बच्चों? मतलब एक ही टाइम में दो पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, एक ही टाइम में दो पोजीशन नहीं हो सकता, एक टाइम में एक ही पोजीशन होता है, क्लियर? आइए सेकंड ग्राफ में, ये पॉसिबल है कि नहीं है, देखिए बच्चों स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। लेकिन ग्राफ में ध्यान से देखिए, ये वाली ये सब निगेटिव स्पीड है, दीज आर ऑल निगेटिव स्पीड, तो निगेटिव स्पीड नहीं हो सकता, क्लियर? तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, क्लियर? अब यहाँ आइए, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो इस तरह से मान लो बॉडी ऐसा जा रहा है, इस तरह से जा रहा है लाइक दैट, क्लियर? तो लुक एट हियर, यहाँ वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, बॉडी यहाँ जा तो रहा है, उसके बाद बॉडी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल, ना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। वेलोसिटी आप कहीं जा रहे हैं तो वेलोसिटी में एक डायरेक्शन का होना कंपलसरी है, अपोजिट डायरेक्शन इज नॉट कन, ये भी ग्राफ नहीं हो सकता, टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता। दूसरी पॉइंट, वी कैन नॉट डिक्रीज द टाइम, टाइम हमेशा इंक्रीज ही होता है, निगेटिव टाइम में हम नहीं जा सकते, तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन नेचर, ठीक है? ये आपका सही है, ये आपका वन डायमेंशन मोशन है, ये सही है, दिस इज वन डी मोशन, राइट? एक्स केवल चेंज हो रहा है, एक्स टी का ग्राफ है, केवल एक्स चेंज हो रहा है, तो ये दैट इज एक्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स मेरा बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए ना एक्स बढ़ रहा है, ग्राफ क्लियर है? नॉट टू डी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स मेरा बढ़ रहा है, तो दिस इज वन डायमेंशन मोशन, क्लियर? नाउ नेक्स्ट ग्राफ पे आइए, ये टोटल पाथ लेंथ है और ये टाइम, तो पाथ लेंथ यहाँ मेरा डिक्रीज हो गया, पाथ लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज, पाथ लेंथ तो हमेशा बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पाथ लेंथ इंक्रीज होता होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नाउ कम टू दिस ग्राफ, ये टाइम यहाँ इस एक्सिस में दे दिया है, पोजिशन यहाँ दे दिया है, राइट? तो अगर हमको ये पर्टिकुलर टाइम ले लें तो इस टाइम में मेरा एक पोजिशन ये, एक पोजिशन ये, तो एक पर्टिकुलर टाइम में दो पोजीशन नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ भी है। तो बच्चों आपको ये आना चाहिए, ग्राफ आपको कुछ भी दिया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आइडेंटिफाई वो ग्राफ नेचर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा, क्लियर?
छाप ले। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग कुछ फंडामेंटल बातें सीखेंगे, सम डेफिनेशन रिलेटिंग टू मोशन, मोशन में कुछ डेफिनेशन जो आपको अक्सर यूज करेंगे फिजिक्स में। क्लियर, इतना आगे आपको डेफिनेशन क्लियर कट आता है तो ग्राफ भी आपके क्लियर कट हो जाएंगे, और अक्सर हम फिजिक्स में ये इतने यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन भी ज़्यादा फंडामेंटल आइडियाज। तो पहला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, राइट, फिर भी एक बार आवश्यकता है कॉन्सेप्ट को फिर से दोहरा लेने की आपको और आइडिया क्लियर हो जाए। तो बच्चे डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। कोई वस्तु कहीं जा रही है तो स्टार्टिंग से फाइनल तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, चाहे वो सीधा चले चाहे वो साइड से चले, राइट, कर्व पाथ फॉलो करे, कितना डिस्टेंस किया। मान लो कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट किया एक पॉइंट से, ऐसा भी जा सकता है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया ये ऐसा 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 भी जा सकता है, राइट राइट। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया ये ऐसा भी जा सकता है, राइट। तो डिस्टेंस का मतलब है कि टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया, राइट। ये इसको इसमें तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा पाथ लेंथ कवर करेगा, इसमें यहाँ से स्टार्ट किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना तो पाथ लेंथ कवर किया। तो डिस्टेंस हमेशा आप याद रखेंगे इट इज टोटल पाथ लेंथ, और इसकी यूनिट हमेशा या तो मीटर में हम लेते हैं या तो किलोमीटर में लेते हैं यूनिट। क्लियर, याद रहेगा इतना, डोंट कंफ्यूज विथ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। सबसे सिंपल पैरामीटर इन फिजिक्स डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, यूनिट इज मीटर और किलोमीटर, ओके, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट में बता देता हूँ, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, पहली बात इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड शॉर्टेस्ट पाथ। मान लो कोई बॉडी ए से उसको बी में जाना है, बी से जाना है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ यही तो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये बॉडी ऐसा भी जा सकता है, ये बॉडी ऐसा भी जा सकता है, ये बॉडी ऐसा घूम के यहाँ घूम के भी जा सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा यही कहलाएगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ। जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगी वो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, यूनिट वही रहेगी, यूनिट मीटर किलोमीटर वही रहेगी, राइट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एस फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर मान लो एक्स एक्सिस में जा रहा है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, एक्स एफ मतलब फाइनल पोजीशन इन एक्स एक्सिस माइनस एक्स आई, इनिशियल पोजीशन इन एक्स एक्सिस। क्लियर, अगर बॉडी मान लो यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से फिर वापस आ गई स्टार्टिंग पॉइंट में, तब तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ट्रेवल, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। क्लियर, इफ फाइनल एंड इनिशियल आर सेम पॉइंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, मैं नवोदय स्कूल से बासी गया, बासी से नवोदय स्कूल आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो मेरा 8 जाने का 8 आने का 16 किलोमीटर। क्लियर, इतना छाप लें, मिटा देता हूँ मैं इसको। नाउ नेक्स्ट बात आती है स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज स्पीड, स्पीड बच्चों स्पीड को हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल, पर यूनिट टाइम इंटरवल।
ये होता है स्पीड। इसकी जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, अक्सर इसी को यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। क्लियर? डिस्टेंस कवर, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना पाथ लेंथ कवर किया बाई यूनिट टाइम इंटरवल, उसको हम कहेंगे स्पीड। ये क्या है स्पीड? स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन का इम्पॉर्टेंस नहीं है, राइट? यूनिट इज मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। जैसे कि हम किसी शोरूम में जाते हैं गाड़ी खरीदने, तो वो जो एजेंट है वो कहता है इस गाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये गाड़ी जब एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो 90 की रफ्तार से जा सकती है, तो वहाँ हम स्पीड कहते हैं तो सही है। लेकिन जैसे ही गाड़ी को हम चलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहाँ हम स्पीड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ दिस बाइक इज 90 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज कार बाइक इज मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? ऑल्सो यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्सन कन्वर्ट करने में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपको बेहद सिंपल याद रखना है मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, अगर हम इसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्लियर? मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बटे 18, तो जब 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 36 और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हमको जो बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, इसको छोटी यूनिट में लाना है, राइट? तो 5 बटे 18, छोटा ऊपर लिखना है बड़ा नीचे लिखना है, 5 बटे 18 से गुना कर दो, आपको मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। आया, समझ आ रहे बच्चों? छाप लो उसको। एक और उदाहरण देता हूँ, नेक्स्ट सपोज 72 किलोमीटर पर आवर हमको, ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, बड़ी यूनिट है, इसको छोटी यूनिट में लाना है, तो हमको 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करना है, 5 बटे 18, 5 छोटा है ऊपर हमेशा ऊपर रहेगा, राइट? 18 नीचे है, 18 × 72, 4 × 25, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब इसी तरह से अगर मान लो हमको 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाना है, ये छोटी यूनिट है इसको बड़ी यूनिट में लाना है, तो हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 18/5, बड़ा वाला ऊपर कर देना है, राइट? क्योंकि हम बड़ा में लाने जा रहे हैं, बड़ा वाला ऊपर कर देना है, छोटा वाला नीचे कर देना है, तो ये 5 × 20, 18 × 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है जिससे आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, 5 बटे 18 को याद रखना है, राइट? 5 बटे 18 को छोटी यूनिट में जाने के लिए 5 बटे 18, बड़ी यूनिट में जाने के लिए 18/5, इसे आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, वेरी सिंपल से ये लॉजिक को याद रखेंगे तो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर को बड़े आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? हटा देता हूँ मैं। और भी एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखो 5 का मल्टीपुल और 18 का मल्टीपुल, राइट? 5 × 5, राइट? 18 × 18, 5 × 2 = 10, 18 × 2 = 36, 5 × 3 = 15 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो 5 × 3 = 15, ये 5 का, ये 18 का है, आपको याद रहेगा, 5 × 3 = 15, 18 × 3 = 54, राइट? 5 × 4 = 20, 18 × 4 = 32, 3 × 4 = 7, 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90। देखो बच्चों, इससे आपको अगर टेबल याद है तो आप बड़े आराम से
5 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर प्रति आवर, 10 मीटर प्रति सेकंड इक्वल्स टू 36 किलोमीटर प्रति आवर, राइट, 15 मीटर प्रति सेकंड इक्वल्स टू 54 किलोमीटर प्रति आवर, राइट। तो ये भी एक आसान तरीका है, अगर आपको 5 और 18 का टेबल याद है तो आप बड़े आराम से छोटे बड़े कर सकते हैं। और दूसरा तो सबसे आसान तो तरीका है 5/18, राइट, छोटा में जाने के लिए 5/18, बड़ा से छोटा जाने के लिए 5/18, बड़ा छोटा से बड़ा जाने के लिए दैट इज 18/5। तो समझ में आया होगा, इसको छाप लें, दैट इज स्पीड। उसी तरह से बच्चों वेलोसिटी बता रहा हूँ, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, राइट, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, बट स्पीड कैन नॉट बी जीरो बिकॉज स्पीड टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल। तो याद रहेगा स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो, यूनिट वही रहेगा मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति आवर, एंड कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है, प्लीज छाप लें इसको, मिटा दो। नेक्स्ट बच्चों दैट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण, त्वरण, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन इज दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल, राइट, चेंज इन वेलोसिटी। जब हम मोशन में होते हैं तो हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, राइट, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। मान लो फाइनल वेलोसिटी मेरा v2 है और इनिशियल वेलोसिटी v1 है और टाइम इंटरवल t2 - t1 है, तो दैट इज एक्सीलरेशन, इसको कहेंगे एक्सीलरेशन। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तब तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तब तो नेगेटिव आएगा, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो आएगा, क्लियर। तो दीज आर द फंडामेंटल टर्म्स इन एनी काइंड ऑफ मोशन, दैट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड एक्सीलरेशन क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, बट डिस्टेंस स्पीड ऑल आर स्केलर क्वांटिटी, ओनली आई नीड मैग्नीट्यूड। छापने इसको। अब बच्चों कुछ और बातें जो कि आपके कैलकुलेशन से जुड़ी हुई हैं, राइट, तो सबसे पहले बात आती है दैट इज एवरेज एक्सीलरेशन, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, पहले एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी हम लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, राइट। एवरेज वेलोसिटी बाई एवरेज बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट एस टोटल बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी, क्लियर बच्चों, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन जा रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, राइट,
टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लेते हैं फाइनल पोजिशन, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, एस टू माइनस एस वन बाई पी टू माइनस पी वन टोटल टाइम टेकिंग बाई, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा, ऐसा भी लिखते हैं, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों, इसका मतलब है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी है, 3 सेकंड में कितना वेलोसिटी है, 2.5 सेकंड में कितना वेलोसिटी है, राइट? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड नॉट कंफ्यूज, क्लियर? ओके, एवरेज वेलोसिटी में जैसे बॉडी यहाँ से वहाँ जा रहा है, मैं एक ग्राफ से समझा रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ है, राइट? एक बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या थी, ये भी मान लेते हैं एक्स टू, यहाँ पे पोजीशन एक्स वन थी, ये एक्स टू थी, यहाँ पे टाइम इसका मान लेते हैं, ये टाइम यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे टाइम इसका टी है, राइट? तो एवरेज वेलोसिटी क्या कैसे लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम बाय टी, क्लियर? और अगर बॉडी मान लो इस तरह से मैं ग्राफ बनाऊं, सपोज लाइक दिस, ये था ग्राफ सपोज, राइट? दिस इज द ग्राफ, तो ये मान लो टी वन है, ये मान लो टी टू है, राइट? ये मान लो एक्स वन है, ये मान लो एक्स टू है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्लियर बच्चे? एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, दैट इज एवरेज। इंस्टेंटेनियस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो बॉडी इस तरह से मोशन कर रहा है, एक्स टी ऐसा मोशन कर रहा है, तो टी ये जीरो है, ये 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी था, 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी था, 3 सेकंड में कितना वेलोसिटी था, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना वेलोसिटी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? अब इसकी फार्मूला कैसे हम लिखते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं बी इंस्टेंट, बी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई, पहले तो हम एवरेज लिख दें, बी एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये हो गई एवरेज वेलोसिटी की परिभाषा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो बट नॉट जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये बच्चों मेरा हो जाता है डी बाई डी टी ऑफ दिस, बच्चों डी बाई डी टी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, आपने पढ़ा होगा, राइट? रेट ऑफ चेंज, तो इसे हम एट पॉइंट ऑफ टाइम में निकाल लेते हैं। तो क्लियर? एवरेज वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको कॉन्सेप्ट को आप समझिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी में दो वेलोसिटी का डिफरेंस ना, दो पॉइंट का डिफरेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। मैं यहाँ से कोई बंदा बासी जा रहा है, राइट बासी, यहाँ से किसी दो पॉइंट में वेलोसिटी का उसका पोजिशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी दो पॉइंट में, और दोनों पॉइंट में टाइम क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, इट जिस आज द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में क्या वेलोसिटी है, इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। निकालने का तरीका वेरी सिंपल, रेट ऑफ चेंज, और दूसरी हम इसको कहते हैं डी बाई डी टी को डिफ्रेंसिएशन
डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, राइट। मैथमेटिकल टर्म है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब उसको तोड़ना, छोटा करना, जब हमको 1 सेकंड 2 सेकंड में चाहिए तो हमको छोटे टाइम में चाहिए तो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसको कहते हैं फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, क्लियर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से बच्चों मेरा आता है दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Average acceleration and instantaneous acceleration, instantaneous acceleration, instantaneous acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration। तो बच्चों एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t2 माइनस t1, ये हो गई एवरेज एक्सेलरेशन। इसको कैसा लिखेंगे, डेल्टा v बाय डेल्टा t, क्लियर। मतलब दो जगह का वेलोसिटी चेंज, दो जगह का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, राइट। और उसमें हम एवरेज वेलोसिटी में कैसे निकालते थे, दो जगह का उसका डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम इंटरवल, यहाँ वेलोसिटी ले लेंगे बाई टाइम, ये एवरेज एक्सीलरेशन हो गई। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, इट गिव्स अस एक्सेलरेशन। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, मैं कई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिजिकल डेफिनेशन। चलिए कुछ सवाल लगा लिया जाए इस पर, ओके। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला में दे रहता हूँ, उसको आपको याद रखना है। तो जैसे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स डेट इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन डेट इज एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम अक्सर यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डेट इज एन पावर आगे आ जाएगा एक्स टू दी, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, सपोज कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, उसको हम नहीं तोड़ सकते, क्लियर बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। फॉर एग्जांपल मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू की पावर टू, इसका डिफरेंशिएट करना है तो यूज द फार्मूला, पावर मेरा आगे आ जाएगा एक्स टू की पावर टू माइनस वन डेट इज टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा बच्चों, राइट। इसी तरह से मान लेते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सिक्स एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन है, ओके, स्क्वायर मैंने कर चुका थ्री ले लो, सिक्स एक्स टू की पावर टू का डिफरेंशिएशन, तो बच्चों सिक्स कांस्टेंट है, सिक्स को बाहर निकाल लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू की पावर थ्री आ गया सिक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगा एक्स टू की पावर थ्री माइनस वन हो जाएगा, सिक्स इंटू थ्री एक्स टू की पावर टू हो जाएगा एटीन एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन, प्लीज नोट कर लें। इतना फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इसी से आप और भी निकाल सकते हैं सिंपल सिंपल फार्मूला, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी मैं बताऊँगा, लेकिन ये तो फंडामेंटल फार्मूला है, राइट। मैथमेटिक्स वालों के लिए तो आसान है, बायोलॉजी वाले थोड़ा ध्यान देंगे बस, आपको ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा दो एक दो फार्मूला रख लेना है, फिजिक्स आसान हो जाएगी, खास करके ये फार्मूला, राइट।
डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू डी पावर एन इज एन एक्स टू डी पावर एन माइनस वन, और इसका कुछ एप्लीकेशन पावर को बस मल्टीप्लाई कर देना है और फिर पावर से वन माइनस कर देना है, दैट इज डिफ्रेंशिएशन किसी भी वेरिएबल्स का, ठीक है। अब इसमें मिटाता हूँ बच्चों, कुछ सवाल लगाते समझ में आ जाएगा आपको। बच्चों कोई भी जब मोशन होता है, राइट, मोशन, तो आप जानते हैं कि मोशन ऐसा होता है, ये इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका इक्वेशन मेरा होता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ओरिजिन से पास हो रहा है तो सी का मान जीरो, ये हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसका इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है बच्चों, राइट। इसी तरह से मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसी तरह से मोशन होगा बच्चों अलग, अगर मोशन इस तरह से है y इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, राइट। आपने क्लास टेन में पढ़ा रखा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर टू होता था, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं मोशन इस तरह से सपोज फाइव सपोज सिक्स एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस वन, ये भी मोशन है, राइट, क्यूबिक इक्वेशन है, राइट। तो मोशन मोशन वी कैन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमको ये आना चाहिए, अगर ये वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपको वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। इसी तरह से वेलोसिटी को भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, वेलोसिटी वी, मान लो वी इक्वल्स टू दे रखा है 60 प्लस, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इक्वेशन है, यहाँ से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो एक सवाल लगाते हैं, मान लीजिए कोई मोशन है आपको दिया होता है वाई इक्वल्स टू राइट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, ये कोई एक मोशन, कोई बॉडी इससे इस इक्वेशन से मोशन करेगा, राइट। तो आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एट टाइम इक्वल्स टू जीरो सेकेंड वन सेकेंड, ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्लास इलेवेंथ में ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, एकदम 100% गारंटी, और इलेवेंथ के बच्चों को ये जानना भी चाहिए, नाइन्थ में ये नहीं था, इलेवेंथ स्टूडेंट मस्ट नो हाउ टू फाइंड योर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, राइट, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। इक्वेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मोशन इज गिवन बाई इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस, कोई भी मोशंस को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ से ये है, कोई मोशन हो रहा है इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से आपको निकालना है। तो बेटा स्टार्ट, तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होती है, बस हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वी गेट द वेलोसिटी। तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ वाई मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, ये हो गई, राइट, क्लियर। तो इसको हम इससे अलग कर लेंगे d बाई डी टी ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाइव एक्स प्लस डी बाई डी टी ऑफ थ्री, ये हो गई। या टू को बाहर निकाल लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू आ जाएगा, एक्स टू की पावर टू माइनस वन वन आ जाएगा, फाइव को बाहर ले लेंगे ये डी एक्स बाई टी हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ मोशन में बच्चों टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी हम जब मोशन को दिखाएंगे इक्वेशन से टाइम हमको दिखाना पड़ेगा। तो हियर आई हैव डन सम मिस्टेक, ओके, मिस्टेक आपको समझ में आ गया होगा, ये टी होना चाहिए, ये टी होना चाहिए, ये भी टी होना चाहिए, तभी तो ये मोशन या ग्राफ की बनेगा, ये वाई एंड टी का ग्राफ है, राइट।
वाई एंड थीटा। तो इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल और एक दूसरा टाइम फैक्टर होना चाहिए, और तभी हम विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वाई, तो ये मेरा क्या होगा बच्चों, ये टी होगा, ये भी मेरा क्या होगा टी होगा। इस तरह से प्लीज करेक्ट कर लेंगे आप, ये टी स्क्वायर होगा, ये आपका टी होगा, राइट है। अब यहाँ से मैं फिर बता देता हूँ बच्चों, जब भी हम कोई मोशन होता है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम इक्वेशन में जरूर होगा, आपको दिया रहेगा, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, राइट। कोई भी मोशन इस तरह से हो रहा है, टाइम फैक्टर इज दिया, तो हमको इसको रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज हमेशा विद टाइम होता है, वही हमको वेलोसिटी देगा, वही हमको एक्सेलरेशन देगा। तो रेट ऑफ चेंज इसमें टी होना चाहिए ना, मैंने कहा था डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, मैंने इक्वेशन लिख दिया, वाई की जगह पूरा इक्वेशन लिख दिया, अब इसको मैंने अलग अलग कर लिया, अब कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अब इसका मेरा ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, जब ये टू हो जाएगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टू आ जाएगा, टी टू डी पावर टू माइनस वन हो जाएगा, फाइव बाहर लेंगे तो ये डी टी बाई डी टी हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है ये जीरो हो जाएगा, तो ये फोर टी प्लस फाइव, ये हो गई वेलोसिटी का इक्वेशन। वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी पूछा है टाइम जीरो एंड वन, तो अगर जीरो पुट कर देंगे तो वेलोसिटी एट जीरो सेकेंड इज फाइव मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी एट वन सेकेंड में दैट इज फोर प्लस फाइव नाइन मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वेलोसिटी। समझ में आया बच्चों, वेलोसिटी एट एनी टाइम वी कैन फाइंड आउट, ओके। अब एक्सीलरेशन निकालते हैं इसका, तो वेलोसिटी हमको मिल चुका है, राइट। तो वेलोसिटी मिल चुका है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वी गेट द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरा क्या है 4t प्लस 5, सो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ 4t प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट इज 5 इज कांस्टेंट, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, डी टी इज द 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दैट इज 4 मीटर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम 0 सेकेंड और 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये मोशन है, और कितनी वैल्यू है इसकी 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से हम कोई भी इक्वेशन रहेगा बच्चों, उसमें हम इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों वेरी सिंपल है, अगर मेरा इक्वेशन y इक्वल्स टू मान लो 5t है, राइट, ऐसा है, तो इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, नो एक्सीलरेशन, राइट, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है ये, राइट। अगर मेरा इक्वेशन 5t स्क्वायर है, राइट, इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, राइट, और अगर ये इससे ज़्यादा जाता है पावर 3-4 तो हो सकता है उसमें वेरिएबल एक्सीलरेशन आए, एक्सीलरेशन हम निकाल सकें। तो आपने इक्वेशन तो पढ़ा ही है मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर। तो इसमें आप देख लेंगे कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला ही इक्वेशन है, जहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, राइट, वहाँ ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्लियर। तो जैसे कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो एक्सीलरेशन कितना लग रहा है 9.8, यहाँ भी 9.8, यहाँ भी 9.8 है, राइट। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्सीलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन, अगर चेंज होगा तो नहीं होगा। तो उसका इक्वेशन मेरा अक्सर आपको ऐसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो बच्चों टी स्क्वायर मिला ना, तो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, राइट, और वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए इज कांस्टेंट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 ए एस, ए इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन
मोशन है, जो भी आप नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, इलेवेंथ में जो भी पढ़ेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। अगर इक्वेशन को चेंज कर दिया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि या तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन में नो एक्सेलरेशन, और अगर पावर थ्री फोर है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इसी तरह से एक और बता दूँ मैं, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में बता देता हूँ, एवरेज स्पीड बच्चे कैसे निकालेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड। क्लियर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों अक्सर क्वेश्चन जो आपके आते हैं, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या कोई इक्वेशन का मोशन दे देगा, कहेगा फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट दिस टाइम। और यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है कि वो एक्सीलरेटेड मोशन है या दैट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है, या उसमें एक्सीलरेशन चेंज हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ बच्चों एक सवाल लगाइए। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओ टी, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम ओ टू पी, नंबर वन, नंबर टू फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। चलिए बच्चों लगाइए। आइए मैं बता देता हूँ। ए कार इज मूविंग फ्रॉम इन ए स्ट्रेट लाइन टू ओ टू पी, ओ टू पी जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ओ टू पी है, ओ टू पी में आपको निकालना है ओ टू पी। तो ओ टू पी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, राइट। टोटल टाइम कितना लग रहा है ओ टू पी, 18 सेकेंड, यहाँ से यहाँ इसको लग रहा है 18 सेकेंड, राइट। और फिर पी टू क्यू जब यहाँ से उल्टा आ रहा है तो इसको लग रहा है 6 सेकेंड, यहाँ से इसको 6 सेकेंड। तो ओ टू पी में पहला क्वेश्चन में इसको निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना होगा, 360, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ कितना होगा, दैट इज 18, राइट। तो ये हो जाएगा 18 × 36, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड। तो ओ टू पी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड 360 और टोटल टाइम इज 18, दैट इज अगेन 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट केस क्या है, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, यहाँ निकालते हैं बच्चों, निकालो फटाफट। यस, ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। तो बच्चों क्या है, फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 240 ही होगा डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 18 यहाँ से यहाँ 6 24 हो गया, तो डेट इज 10 मीटर प्रति सेकेंड। और नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, टोटल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ यहाँ से 360, यहाँ से 360, राइट। और फिर यहाँ से यहाँ ये पाथ लेंथ कवर किया, राइट। तो कितना होगा बच्चों, व्हाट इज टोटल पाथ लेंथ, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ 18, यहाँ से यहाँ 6, तो 24 हो गया, राइट, 24। और टोटल पाथ लेंथ कितना होगा बच्चों, व्हाट इज टोटल पाथ लेंथ,
टोटल पाथ लेंथ इज यहां से यहां 360 प्लस फिर यहां से यहां 120 होगा बच्चों ना 120 इसको माइनस कर दीजिए यू गेट 120 तो ये हो जाएगा कितना दैट इज 0 6 2 8 6 और 2 8 3 और 4 एक 4 24 यानी कि 20 20 जाएगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड इस केस में अलग यहां 10 आएगा यहां 20 आएगा अलग अलग आएगा क्लियर तो ये आपका एक सिंपल सा सवाल था बट वेरी कॉन्सेप्चुअल सवाल एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना इन सम केस इट मे बी सेम इन डिफरेंट केस इट मे बी डिफरेंट तो जब भी आप क्वेश्चन लगाएं अच्छी तरह से पढ़ लें तब लगाएं छाप लें हाँ बच्चों नेक्स्ट सवाल ए बाइसाइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड V1 एंड फॉर सेकेंड हाफ टाइम विद स्पीड V2 व्हाट इज द एवरेज स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डोंट गेट कंफ्यूज क्वेश्चन किस किस प्रकार के होते हैं तो पहला क्वेश्चन तो हमने देख लिया वेरी सिंपल क्वेश्चन और थोड़ा सा इसकी लेवल हाई है कि कोई बाइसाइकिलिस्ट है वो इस ट्रेवलिंग कर रहा है अलोंग स्ट्रेट रोड फर्स्ट हाफ टाइम में इतनी वेलोसिटी स्पीड से जा रहा है और नेक्स्ट सेकेंड हाफ टाइम में इतनी स्पीड से जा रहा है तो आपको एवरेज स्पीड बताना है तो बच्चों इसमें हम मान लेते हैं कि मान लेते टोटल टाइम उसको टी लगता है तो फर्स्ट हाफ टाइम मतलब दैट इज योर टी बाई टू में वो कितना स्पीड से जा रहा है V1 से जा रहा है और नेक्स्ट हाफ टाइम वो भी T/2 वो कितना स्पीड से जा रहा है V2 से जा रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट हाफ टाइम दैट इज V1 इंटू T/2 एंड डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड हाफ टाइम V2 इंटू T/2 तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज दिस वन एंड टोटल टाइम टेकन इज टी ओके क्लियर बच्चों तो T/2 राइट इफ यू सॉल्व इट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों प्लीज सॉल्व इट यस सॉल्व कर लेते हैं T/T/2 अब बाहर निकाल सकते हैं कॉमन है तो T/2 बाहर निकाल लिए यहाँ V1 प्लस V2 बचेगा और नीचे T है T कैंसिल हो जाएगा तो V1 प्लस V2/2 दिस इज द आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको फर्स्ट हाफ टाइम सेकेंड हाफ टाइम थर्ड हाफ टाइम इस तरह से दिया है तो आपको इस तरह से करना सवाल को लगाना है टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है फर्स्ट हाफ टाइम में टोटल डिस्टेंस इन सेकेंड हाफ टाइम थर्ड हाफ टाइम टोटल डिस्टेंस आपको जोड़ देना है टोटल टाइम से डिवाइड कर देना यू गेट इट तो इन दिस केस इस केस में ये क्या हो गया भाई V1 से जा रहा था फर्स्ट हाफ टाइम V2 से जा रहा था सेकेंड हाफ टाइम तो दोनों का एवरेज हो गया ना इस केस में मेरा एवरेज जो स्पीड निकला है एवरेज स्पीड इज द सिंपली एरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड इंडिविजुअल स्पीड क्लियर अब क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा लाइक दैट अब मैं इसमें फर्स्ट हाफ टाइम ना करके मैं कह दूं कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वो V1 से कवर कर रहा है सेकेंड हाफ डिस्टेंस वो V2 से कवर कर रहा है राइट फर्स्ट हाफ डिस्टेंस V1 से सेकेंड हाफ डिस्टेंस V2 से राइट फाइंड द एवरेज स्पीड तो ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे राइट इसका आंसर आएगा 2 V1 V2/V1 V2 मैंने बता दिया दैट इज योर एवरेज स्पीड ये हो जाएगा एवरेज स्पीड तो अगर टाइम में दे रखा है कि फर्स्ट हाफ टाइम में इतना सेकेंड हाफ टाइम में इतना तब तो मेरा एवरेज स्पीड आएगा V1 प्लस V2/2 और अगर डिस्टेंस में दे रखा है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इतना स्पीड से सेकेंड हाफ डिस्टेंस इतना स्पीड से
तब मेरा आंसर आएगा टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू। क्लियर। इसी तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं, वी थ्री होगा तो और यहाँ पैरामीटर बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चों आप जरूर करना, करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। दैट इज होमवर्क फ्रॉम माई साइड। सो दिस इज एवरीथिंग इन दिस क्लास, आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।